हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कुकिंग बाय पूजा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सब्जी की ऐसी रेसिपी दिखाने वाली हूँ जो सब्जी बहुत ही सस्ती होती है और 24 आवर्स सबके घर में अवेलेबल होती है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी सब्जी है वो एकदम इजी सब्जी है और इसे आप कभी भी घर पे बना सकते हो। तो आज हम बनाने वाले हैं प्याज की सब्जी। तो उसके लिए एक कढ़ाई में मैं 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ और जैसे ही तेल अपना गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून राई। राई हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ ली है और उसको थोड़ा थोड़ा सा ही छील दिया है। तो ये मैं अक्खी लहसुन की कलियाँ इसमें डालने वाली हूँ। तो ये लहसुन खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसके लिए मैंने ऐसे डाला है। अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो आप लहसुन को कूट के भी इसमें डाल सकते हो। अब ये लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने तक मैं पहले तेल में फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे अपना लहसुन जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, तो अब मैं इसमें डालूँगी 3 बड़े साइज़ के प्याज। नॉर्मली जो हम सब्जी के लिए कट करते हैं वैसे ही कट करके लिए है, वो डाल देती हूँ इसमें। तो इसमें हम प्याज को ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पकेगा तो भी ये सब्जी अच्छी नहीं लगती है। अब प्याज को भी मैं थोड़ा सा पहले भून लेती हूँ। तो ये सब्जी एकदम झटपट तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कोई भी रोटी, मतलब के चावल की रोटी हो, ज्वार या बाजरे की रोटी हो, या तो फिर चपाती के साथ भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। प्याज को लहसुन के साथ थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून और इसी के साथ स्वादानुसार नमक। तो बस इतने ही मसाले हमें इसमें डालने हैं, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ये सब्जी में। और अब ये प्याज को हम बिना ढके इसको ऐसे ही पकने देंगे। ये सब्जी को हम स्लो गैस पे पकाएंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब गर्मी के दिन चालू हो गए हैं और गर्मी के दिनों में सब्जियां बहुत ही महंगी हो जाती है और प्याज वैसे भी सस्ते ही होते हैं और प्याज हमारे शरीर को ठंडक भी देते हैं। इसके लिए हम ऐसी प्याज की सब्जी बना के खा सकते हैं। यहाँ पे अपना प्याज हल्का हल्का पकने भी लगा है, तो अब मैं इसमें सिर्फ ये 2-3 कोकम डाल देती हूँ। ये कोकम डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन प्याज जो होता है वो हल्का सा स्वीटनेस देता है, इसके लिए हम कोकम डाल के वो स्वीटनेस को बैलेंस करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे अपनी प्याज की सब्जी एकदम तैयार हो गई है और इसे बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। लेकिन ये सब्जी आप स्लो गैस पे ही बनाइए क्योंकि इसमें हमने जो लहसुन डाला है वो भी अंदर से पकना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और वो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो सब्जी है वो हम ऐसे ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। इसमें ये जो प्याज दिख रहा है वो ऐसे साबुत दिखना बहुत ज़रूरी है, तो ही इसका एक अलग ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ये अपनी सिंपल और इजी प्याज की सब्जी खाने के लिए तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे ये अपनी प्याज की सब्जी तैयार हो गई है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। तो आप ये मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए, अब हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू।